आगरा जिले में पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुशवाहा ने शिक्षकों को उत्साहित कर बच्चों में ज्ञान का भंडार भरने की एक नई पहल शुरू की, जिसकी शुरुआत उन्होंने सुसनेर में आयोजित विकास खंड स्तरीय छह संकुलों की वृद्ध कार्यशाला में उपस्थित शिक्षकों को उत्साहित करते हुए कहा कि बच्चों में मानस में जो ज्ञान का भंडार है वो शिक्षक है। यदि आप ठान लें तो आपके स्कूल का बच्चा भी आईपीएस आईएएस या फिर मेधावी बन सकता है। इसके लिए हम सभी को बड़ा सोचने की जरूरत है। उन्होंने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे में चयनित किए गए विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए भी तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। वहीं शिक्षिका कविता नामदेव ने कहा कि शिक्षक यदि जागरूक हो जाए और समय पर स्कूल आए तो बच्चों को लगन से पढ़ाई, साथ ही यदि शिक्षक के साथ साथ पालक भी जागरूक हो जाए, सोच ले कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, शिक्षक और पालक के सहयोग से सरकारी स्कूल का बच्चा भी आईएएस आईपीएस बन सकता है। उन्होंने कहा कि या तो ज्यादातर ये होता है कि पालक लड़कों को आगे बढ़ाते हैं लेकिन लड़कियों की शिक्षा रोक देते हैं। इसके साथ ही उन्हें प्रेरित करना चाहिए जिससे लड़कों के साथ लड़कियां भी आगे बढ़ सके। वो सारा का सारा मैटर जो है वो उस ठान लेने पे टिका हुआ है। ऐसे आपको कितने किस्से होंगे जो आपको याद आ सकते हैं, जो आपको बताए जा सकते हैं। नीरज चोपड़ा लेटेस्ट सुनाए, नाम सुनाए नीरज चोपड़ा का, ओलंपिक में अभी जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लेके आया। आपको पता है कि जब ट्राई चल रहा था उसने एक ही थ्रो किया और उसके बाद दूसरा थ्रो करने नहीं आया। इतना कॉन्फिडेंस था, इतनी उसकी तैयारी, जिस ढंग से उसने गोल्ड मेडल जीता, चमत्कार करने वाला है वो। इसी तरह के हमारे आसपास के किसी गांव का बच्चा है। बिल्कुल, मतलब अगर शिक्षक जागरूक हो जाए, व्यवस्थित समय पर स्कूल आए और बच्चों को लगन से पढ़ाए तो बच्चा आईपीएस के मतलब बन सकता है, बड़ा अधिकारी बन सकता है। सर की विचारधारा बिल्कुल सही है, मतलब आपकी कोशिश से बच्चा हो सकता है कि ऐसा बच्चा में, हाँ सही दिशा में उसको अगर गाइड करेंगे तो बच्चा कर सकता है। बट ये शिक्षक पर निर्भर करता है कि वो गाइड किस तरह से कर रहा है, है ना? और बच्चों पे भी डिपेंड होता है कि बच्चा क्या उसके कैसा माहौल है उसका घर का, मतलब पालक शिक्षक के साथ पालक भी अगर जागरूक हो जाए कि अपने को बच्चे को आगे बढ़ाना है तो शिक्षक और पालक के सहयोग से बच्चा आगे बढ़ सकता है। ज़्यादातर होता है कि 8th के बाद लड़कों को तो बढ़ा देते आगे पर लड़कियों की शिक्षा रोक देते हैं, तो उसके लिए भी शिक्षक को थोड़ा प्रेरित करना चाहिए पालकों को कि बच्चों को आगे भी भेजे स्कूल,